सत श्री अकाल जी, तुसी वेख रहे हो बाई जी टीवी, मैं जस्सी बड़ैच। सो इस समय असं मौजूद हाँ कहली कि पंजाब का एक सब तो व्डा वेयर हाउस बनया। सो साडे नाल विशेष तौर पर गलबात करन दे लई मौजूद रहणगे अंशुमन सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये वेयर हाउस बनाया, ये आपने बोला कि पंजाब का पहला और सबसे बड़ा ये वेयर हाउस है, कैसा कैसा इसमें होगा, क्या क्या होगा ये बताओ जी। ये सबसे पहला ग्रेड ए प्लस वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, 6 लाख स्क्वायर फीट का इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब है ये। इसमें वेयर हाउस भी होगा, इसमें ट्रांसपोर्टेशन हब भी होगा, इसमें नेटवर्क हब भी होगा, यहाँ पर ड्राइवर रेस्ट रूम फैसिलिटीज़ भी होंगी। और इस वेयर हाउस में ये पहला ग्रेड ए प्लस 12 मीटर क्लियर हाइट का इंसुलेशन, क्रॉस डॉक लेवलर्स, 6 एयर चेंजेस, मॉडर्न फैसिलिटीज़, वेरी हाई ग्रेड क्वालिटी ऑफ फ्लोरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये बहुत हाई इन्वेस्टमेंट के साथ ये वेयर हाउस बना है। इसमें फार्मा कंपनीज, ई कॉमर्स कंपनीज, फूड कंपनीज, FMCG कंपनीज और टेक्सटाइल कंपनीज के प्रोडक्ट्स यहाँ पर रखे जाएंगे। यहाँ लोकल प्रोडक्शन क्लस्टर से माल यहाँ आएगा और सारे देश में जाएगा, जैसे बद्दी से, लुधियाना से, उनके उन कंपनीज के प्रोडक्शन का स्टोरेज यहाँ पर होगा और यहाँ से पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऑन द अदर हैंड पूरे देश से प्रोडक्शन यहाँ आएगा और यहाँ से लोकल कंजम्पशन क्लस्टर, जैसे कि लुधियाना हुआ, अमृतसर हुआ, चंडीगढ़ हुआ, इन सब सिटीज़ में जो ई कॉमर्स के थ्रू जो कंजम्पशन होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ से होगा, ग्रोसरी का भी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से होगा। फाउंडर की बात करें तो फाउंडर कौन कौन है? फाउंडर सिर्फ मैं हूँ, अंशुमन सिंह, और मैं इन्वेस्टर हूँ, इसका फाउंडर हूँ। और मैंने इसमें एक US की बहुत बड़ी प्राइवेट इक्विटी कंपनी है बॉबा पिंकस, उससे फंडिंग रेज की हुई है। सर जैसे आपने ये जो बात करें, जो आले दुआत वाले का एरिया है, उसमें क्या फैसिलिटी दी जाएगी उन लोगों को इस वेयर हाउस में, जो नियर अबाउट जो लोग नेड़े तेड़े हैं उनको उनको क्या फैसिलिटी अवेलेबल है? तो स्टेलर एक ऐसी कंपनी है जो पूरे इकोसिस्टम को साथ में लेके चलती है। तो एज अ पॉलिसी हम एम्प्लॉयमेंट सारे लोकल लोगों को ही देते हैं, खाली मैनेजमेंट स्टाफ कुछ बाहर से आएगा जो अपनी एक्सपर्टीज लेके आता है, बाकी सारे वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट लोकल होते हैं। और हमारे यहाँ सैकड़ों ट्रक चलेंगे, वो भी लोकल इकोसिस्टम से ही लगाए जाएंगे, वो ड्राइवर्स भी, सैकड़ों ड्राइवर्स को भी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे लोकल इकोसिस्टम से मिलेगी। वेयरहाउस के अंदर जो काम होगा उसमें भी हम लोग पूरे लोकल एरिया से ही एम्प्लॉयमेंट करते हैं, उनको ट्रेनिंग करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, उनको बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए हमारे वेयरहाउसेज में काम करने की अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं। तो स्टेलर से काम के साथ काम करने का तो गर्व होता ही है, साथ साथ में इंडिया की और इनफैक्ट ग्लोबली सबसे बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी, सबसे बड़े बड़े ई कॉमर्स कंपनीज जिनका काम हम यहाँ करेंगे, उनके साथ जुड़ने का और उनके साथ काम करने का मौका लोगों को मिलता है और बहुत सारी लर्निंग करने का मौका मिलता है। यहाँ पे कोल्ड चेन भी होगा, यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी, यहाँ पे मॉडर्न ऑटोमेशन होगा, सारी चीज़ें सीखने का मौका लोगों को मिलता है। जैसे अभी जिक्र किया आपने कि ये पंजाब में यह पहला वेयर हाउस है, अदर स्टेट की बात करें तो और कहाँ कहाँ ये वेयर हाउस? तो हम पूरे देश पैन इंडिया कंपनी है, पूरे देश में हम 50 मिलियन स्क्वायर फीट और 50,000 ट्रक का एक पूरा पैन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और 9 सेक्टर्स में काम करते हैं, सारे सेक्टर्स में काम करते हैं। तो सारे बड़े शहरों में तो हम पहले बना चुके हैं, अब Tier 2 सिटीज़ में जा रहे हैं और हमने NCR में तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ बनाई हैं नॉर्थ में। अब अदर देन NCR ये हमारा नॉर्थ का पंजाब में पहला लॉजिस्टिक हब है। और इसमें फार्मर को क्या बेनिफिट रहने वाले हैं? फार्मर के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जो पैकेज्ड गुड्स उनके होंगे उनका स्टोरेज यहाँ हो सकता है और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन पैन इंडिया हो सकता है। तो फार्मर्स के लिए, पैकेज गुड्स के लिए ये बहुत अच्छा स्टोरेज लोकेशन बन सकता है। कमोडिटी के लिए ये वाले इस तरह के वेयर हाउसेज नहीं काम आएंगे, लेकिन पैकेज्ड प्रोडक्ट्स एंड फूड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के लिए, स्टोरेज के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये बहुत अच्छा इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स हब है। थैंक यू सर। थैंक यू। सो बिल्कुल अंशुमन जी जिन्होंने दस्या कि पंजाब का सब तो व्डा तो पहला वेयर हाउस, साढ़े नाल वेखते रहो बाई जी टीवी।